विवादित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में स्क्रीनिंग को लेकर बवाल के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है। हालांकि इससे पहले ही विश्वविद्यालय में हंगामा मच गया। जामिया में शाम 6 बजे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही गई। छात्रों का दावा है कि जामिया के गेट नंबर 8 से पुलिस ने इस मामले में 4 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद से ही छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में हंगामा करते दिखाई पड़े। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारियां हो रही थीं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने पोस्टर जारी कर शाम 6 बजे सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाया। इसके बाद से ही प्रशासन हरकत में आ गया। यूनिवर्सिटी के बाहर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और दिल्ली पुलिस के कई जवानों की तैनाती की गई है। एक्शन में पूरी तरह से सरकार नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 8 के बाहर से कुछ छात्रों को डिटेन भी किया है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर किसी के रुकने और खड़े होने पर भी सख्त मनाही है। पूरे मामले पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। JNU जैसा बवाल जामिया में ना हो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बीते दिन ही जामिया प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि छात्रों द्वारा कैंपस अथवा लॉन में किसी तरह की मीटिंग और गैदरिंग के लिए पूरी तरह से मनाही है। किसी भी मामले को लेकर गुटबाजी पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हो गया है। किसी भी आयोजन या कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति लेनी ही होगी। इस नोटिस में यह भी कहा गया कि दिए गए सूचना के खिलाफ जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शाम 6 बजे MCRC लॉन में बीबीसी की प्रतिबंधित और विवादित डॉक्यूमेंट्री का आयोजन का पोस्टर सब तरफ दिखाई पड़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी में माहौल फिलहाल सामान्य है। बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित और चर्चित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में विवाद होता दिखा था। इस बार विवाद छात्रों के आपसी टकराव का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक विवादित डॉक्यूमेंट्री का था। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। इस बीच भाजपा के छात्र इकाई ABVP ने भी बयान जारी किया और अपने बयान में ABVP ने कहा कि JNU का वामपंथ उपनिवेशवादी ब्रिटिशर्स के सपनों को साकार करना चाहता है। फिलहाल JNU जैसा बवाल जामिया में न हो इसके लिए पूरी तरह से सरकार एक्शन में नजर आ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।